आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश का नाता हमारे देश से रामायण काल से है। इस देश को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन एंड टियर ड्रॉप ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस देश का आकार एक मोती और आंसू के आकार जैसा है। इस देश का नेशनल फ्लैग दुनिया का सबसे पुराना नेशनल फ्लैग है। एक ऐसा देश जहाँ के लोग हाँ कहने में भारत वासियों की तरह सिर ऊपर नीचे हिलाने के बजाय दाएं बाएं हिलाते हैं। और चाय का निर्यात करने के मामले में ये देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जबकि यहाँ घूमने और देखने के लिए काफी कुछ है, जिस वजह से इस देश को माना जाता है दुनिया के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं श्रीलंका की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि श्रीलंका का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। इस देश की दूरी भारत से है मात्र 32 किलोमीटर। श्रीलंका वेस्ट वर्जीनिया से थोड़ा सा ही बड़ा है, जबकि इस देश की जनसंख्या 2.19 करोड़ है। श्रीलंका क्षेत्रफल के हिसाब से 122वां जबकि जनसंख्या के हिसाब से 53वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है। श्रीलंका के बारे में बात करने से पहले आपको इस देश की राजधानी के बारे में बताते हैं। श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। उस समय श्रीलंका अनुराधापुरा साम्राज्य के तौर पर जाना जाता था। वहीं अब कोलंबो को श्रीलंका की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कोलंबो नहीं बल्कि जयवर्धनपुरा कोटे है, यानी इस देश की दो राजधानियां हैं। हाल के समय में कोलंबो शहर श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे देश की विधायी राजधानी है। वैसे इस देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख शहर कोलंबो ही है और यही श्रीलंका की इकोनॉमिक कैपिटल भी है। इसके अलावा पूरे श्रीलंका में सिर्फ एक ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि कोलंबो में ही स्थित है। अगर आपको पानी से खेलना पसंद है तो कोलंबो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ बाइक रेसिंग, सर्फिंग, पैरासेलिंग, बनाना राइड, वाटर स्कूटर का आनंद लिया जा सकता है। इस शहर में शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ है, यानी कि कोलंबो श्रीलंका के लिए सबसे खास शहर है। दोस्तों, श्रीलंका को पहले 1505 में पुर्तगालियों द्वारा, फिर 1658 में डचों द्वारा, फिर 1796 में अंग्रेजों द्वारा शासन किया गया और आखिर में 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि 1972 तक इस देश का नाम था सिलोन, जिसे बदलकर बाद में लंका और 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। तभी से इस देश को श्रीलंका के नाम से जाना जाने लगा है। वैसे श्रीलंका को सिलोन क्यों कहा जाता था, इसके पीछे कोई मजबूत वजह तो नहीं बताई जाती, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजों को कुछ नामों के उच्चारण में परेशानी होती थी, इसीलिए उन्होंने मुंबई को बॉम्बे, कोलकाता को कैलकटा, चेन्नई को मद्रास बना दिया और इसी तरह श्रीलंका को सिलोन बना दिया। वैसे श्रीलंका को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन एंड टियर ड्रॉप ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश घिरा है पहाड़ों से। श्रीलंका चारों तरफ से खूबसूरत समंदर से घिरा हुआ है, जो कि टूरिस्ट को बहुत भाता है। ये देश आकार में छोटा तो है ही, और इसके साथ साथ अगर तस्वीरों में देखा जाए तो इस देश का आकार एक मोती और आंसू की तरह दिखाई देता है, इसलिए देश को इस नाम से भी बुलाया जाता है। सिंहली भाषा श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ साथ यहाँ बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। सिंहली के बाद श्रीलंका में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा तमिल है। देश के 74% लोग सिंहली भाषा को बोलते हैं, जबकि 18% तमिल भाषा बोलते हैं। इस देश से जुड़ा एक मजेदार बात ये भी है कि श्रीलंका के लोगों को श्रीलंकन या केवल लंकन कहते हैं, उन्हें कभी भी उनके जातीय समूह के नाम से नहीं पुकारा जाता। ये बात तो सभी जानते हैं कि श्रीलंका में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका नाता सीधे भगवान शिव से रहा है, फिर चाहे सोने की लंका हो या फिर कुछ और। श्रीलंका में ऐसा ही एक पर्वत है जिसे श्रीपद चोटी भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासन काल के दौरान इसका नाम उन्होंने एडम पीक रख दिया था। हालांकि इस एडम पीक का पुराना नाम रतन द्वीप पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक मंदिर बना है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ देवों के देव महादेव शंकर के पैरों के निशान है, इसीलिए इस स्थान को सिवानोलीपदम यानी कि शिव का प्रकाश भी कहा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसी जगह भगवान बुद्ध के पैरों के भी निशान थे। सिर्फ इतना ही नहीं, माना तो ऐसा जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है,
जहां उसने घोर तपस्या की थी और उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। रेगला के इलाके में रावण की ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, अगर आप श्रीलंका का दौरा करेंगे तो आपको इससे भी कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे तो श्रीलंका और भारत में कई चीजें एक जैसी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ मामलों में दोनों है एक दूसरे से काफी अलग। जैसे कि श्रीलंका वासी हाँ कहने में भारत वासियों की तरह सिर ऊपर नीचे हिलाने के बजाय दाएं बाएं हिलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ना कह रहे हो। ये अजीब ही बात हुई ना। अगर आप इस देश की सफर पर जाएं तो दोस्तों इस चीज को लेकर जरा भी कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जहां सेलफोन्स को कई नामों से जाना जाता है। श्रीलंका में भी सेलफोन को कहा जाता है सेलटेल। अगर आप इस देश में हैं तो सेलफोन से वहां रहने वाले लोग आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, श्रीलंका में किसी स्मार्ट और हैंडसम बंदे को ड्यूड के बजाय मचान कहते हैं। जय श्री महाबोधि। श्रीलंका और दुनिया का सबसे पुराना ह्यूमन प्लांटेड ट्री है जया श्री महाबोधा। एक पवित्र अंजीर का पेड़ है जो अनुराधापुर के महामेवना गार्डन में पाया जाता है, और इसके पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। भारत में लगभग 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध निरंजना नदी के तट पर एक पेड़ के खिलाफ बैठे थे। कहा जाता है कि इसी समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी पेड़ के हिस्से को काट कर श्रीलंका लाया गया था। इस पेड़ को बारिश या तूफान कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए श्रीलंका के लोग और सरकार काफी कुछ करते रहते हैं। ये देश चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के जंगल पूरी दुनिया में पॉपुलर है, इसकी वजह है यहाँ के हाथी। श्रीलंका के जंगलों में छोटे बड़े कई हाथी पाए जाते हैं। श्रीलंका में तकरीबन 20,000 हाथी है। यहाँ कई जगह तो ऐसी है जहाँ लोगों से ज्यादा हाथी दिखाई दे जाते हैं। जी हाँ, एक बार तो स्टेडियम में ही क्रिकेट मैच के दौरान हाथियों ने हंगामा मचा दिया था। हाथियों के अलावा श्रीलंका में देखने के लिए काफी कुछ है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर है, भारत से जुड़े ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जो आपको भारत के किसी और पड़ोसी देशों में देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ रामायण काल से जुड़ी लगभग सभी चीजें हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुँचने के लिए राम सेतु बनवाया था, जो दक्षिण भारत से श्रीलंका के बीच तैरते हुए पत्थरों से बना है। यहाँ एक ऐसा भी मठ है जहाँ महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए। इस मठ को श्रीलंका में बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। कहते हैं इस देश में सदा नीरा झरना है। ये झरना इसलिए खास है क्योंकि ये सीता जी की यादों से जुड़ा है। संवाद है कि सीता हरण के बाद उन्हें यही रखा गया था, और अशोक वाटिका में 11 महीने के प्रवास के दौरान सीता जी इसी झरने के जल कुंड में नहाती थी। दोस्तों श्रीलंका के बंदरों को गौर से देखने पर पता चलता है कि उनकी पूंछ काली है। शायद हनुमान जी अपनी प्रजाति यहाँ छोड़ गए होंगे। यहाँ के बंदरों की पूंछे यहाँ बहुत लंबी और काली है, मानो आग में झुलसी हुई हो। क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका से ही थी? ये थी सिरिमा रत्वते डायस बंड्रा नायक, जिनको सिरिमाओ बंड्रा नायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, और वे 1960 से 65 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रही। श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी के नेता सिरिमा रात्वे की मृत्यु 2000 के दौरान हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। दोस्तों दालचीनी दुनिया में सबसे लोकप्रिय मसालों में से एक है, और ये करी से लेकर केक तक हर तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती है। ये मसाला 2000 साल पहले मूल रूप से श्रीलंका में पाया गया था, और आज के समय में भी दुनिया का 80-90% दालचीनी श्रीलंका से आता है। दालचीनी के अलावा चाय है श्रीलंका का सबसे बड़ा बिजनेस फैक्टर। श्रीलंका को टी कैपिटल यानी चाय की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ 6000 फीट की ऊंचाई पर चाय की खेती की जाती है। वैसे तो चाय से पहले श्रीलंका कॉफी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, मगर अब चाय ने कॉफी की जगह ले ली है। 1867 में यहाँ शुरू हुई चाय की खेती आज इस देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। श्रीलंका चाय एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, और सीलोन टी श्रीलंका की सबसे पॉपुलर चाय है। ये चाय सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इस चाय को दुनिया के सबसे क्लीनेस्ट टी के तौर पर भी जाना जाता है। श्रीलंका की मशहूर शराब को अराक कहते हैं, जो नारियल चावल और गन्ने से बनती है। ये ड्रिंक
श्रीलंका में काफी पॉपुलर है। भारत के लोगों की तरह श्रीलंका के लोग भी हाथों से खाना खाना पसंद करते हैं। हाथों से खाना खाने वाले लोगों को चावल कुछ ज्यादा ही पसंद होते हैं, तभी तो श्रीलंका के खाने में चावल सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। चावल यहाँ का मेन कोर्स की तरह है। लंकन लोगों के नाश्ते, दोपहर के खाने और डिनर तीनों में करी के साथ चावल देखने को मिलते हैं। श्रीलंका का नेशनल डिश है कोट्टू रोटी, जो कि अंडे, कांदा, मिर्च और सब्जियों के साथ बनाते हैं। खाने के मसाले में लंका के लोग कुछ अजीब ही होते हैं। यहाँ लोग हर खाने वाली चीज पर नमक और काली मिर्च का छिड़काव करते हैं, चाहे वो आम ही क्यों न हो। यहाँ की महिलाएं पुरुषों से पहला खाना नहीं खाती। अगर परिवार के किसी पुरुष ने खाना नहीं खाया है तो यहाँ की महिला भी तब तक कुछ नहीं खाती। ये यहाँ की सभ्यता माना जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि क्रिकेट भी श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल, जिसे 1916 में शुरू किया गया था। इसके अलावा श्रीलंका का नेशनल फ्लैग दुनिया के सबसे पुराने झंडों में से एक है। हाल के समय में श्रीलंका में करीब 2.2 करोड़ की आबादी है। धर्म की बात करें तो देश की 70% आबादी बौद्ध है। यहाँ 10% आबादी मुस्लिम, 12% हिंदू और 6% कैथोलिक है। इस देश में रहना इसलिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ की लिटरेसी रेट पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। श्रीलंका में 20 विश्वविद्यालय हैं, जो जनसंख्या और देश के आकार को देखते हुए काफी इम्प्रेसिव है। यहाँ 92% लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। पढ़े लिखे होने की वजह से यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ काफी प्यार और इज्जत के साथ बात करते हैं। तभी तो श्रीलंका है एक बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन। यहाँ हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिसमें कई इंटरनेशनल टूरिस्ट भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और श्रीलंका में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा सिर्फ 3 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको श्रीलंका घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 50,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपीज, जिसकी वैल्यू है लगभग 2.67 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों, ये था एशिया का सबसे खूबसूरत देश श्रीलंका। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया है इस देश की, और अगर की है तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना।